बस एक का सवाल कर लो यार, आज, आज देश के लिए एक दुखद खबर है। पीएम मोदी की माँ आज दुनिया में नहीं रही। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, सर इस अपूर्णीय क्षति को क्या कहें? देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपने परिवार की तरह मानते हैं और पूरे देश के हर परिवार की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, तो पूरे देशवासी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपने परिवार की तरह मानते हैं। और शायद जीवन में सबसे जिनका बड़ा स्थान होता है वो माँ का होता है, और आज उनको जन्म देने वाली प्रधानमंत्री जी की माता जी का बहुत दुखद यह जो निधन हुआ है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का परिवार तो बहुत दुखी है ही, लेकिन पूरे देश के अंदर आज यह दुख का भाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर परिवार दुखी है। भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक एक सदस्य दुखी है और प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन पर हम लोग अपना गहरा शोक व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और माननीय प्रधानमंत्री जी सहित उनके परिवार को यह अपार जो दुख की घड़ी आई है यह दुख को सहने की सामर्थ्य दें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और उन्होंने माता जो प्रधानमंत्री जी की माता जी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस राष्ट्र की सेवा के लिए एक ऐसे पुत्र को दिया है जो अपने आप में हम सबके सामने हैं कि उन्होंने अगर वह संस्कार, चूँकि माता प्रथम गुरु होती हैं, अगर उन्होंने ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार, ऐसे सेवा का करने का भावना उनके बाल अवस्था से जीवन में दिया होता तो शायद आज हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, वाराणसी के सांसद के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो नेतृत्व तो देखने को मिल रहा है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, वह शायद हमको नहीं मिलता। इसलिए माता जी के जो आदर्श हैं, उनके जो संघर्ष से भरा जीवन है, हर मातृशक्ति के लिए तो मतलब आने वाले समय में भी वह प्रेरणा पुंज बनी रहेंगी। कृष्ण और सर जो कार्यक्रम है बनारस में वो कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे इसका? कार्यक्रम तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अंत्येष्टि संस्कार अभी संपन्न हो रहा है तो कार्यक्रम तो अभी यही तय किया गया है, तो कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन अब उन कार्यक्रमों में हम लोगों को अभी जाने का कार्यक्रम तो हम लोगों ने अभी पोस्टपोन किया था और अधिकारी लोग वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं, वो कार्यक्रम यथावत आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी हम लोग पार्टी में बातचीत करके, सरकार में बातचीत करके आगे कथाएँ करेंगे। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि ये अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आकाश यादव, मीडिया जी, वाराणसी।